सनराइज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वाक्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य व्यवस्था कक्षा 6 से 10 तक है। इसमें हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य वाक्य क्या होता है सबसे पहले हमें पढ़ेंगे। तो वाक्य एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले संरचनाओं को वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो ये अपने विचार प्रकट कर रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन दिल्ली गया, तो ये क्या है? वाक्य है। एक वाक्य में कम से कम दो शब्द कर्ता और क्रिया अवश्य होनी चाहिए। कोई भी वाक्य होता है उसमें दो शब्द होंगे। एक तो क्या होगा? कर्ता होगा और एक क्या होगा? क्रिया होगा, अवश्य होने चाहिए। जैसे मोहन क्या है? इसमें कर्ता है और जाना क्या होगा? क्रिया है। तो वाक्य उसके अंदर दो शब्द होने चाहिए, कर्ता और क्रिया अवश्य होने चाहिए। लेकिन बातचीत स्थिति में कभी एक शब्द भी पूरे वाक्य का काम कर जाता है। जैसे हम कभी बातचीत करते हैं तो एक शब्द भी है वो पूरे वाक्य का काम करता है। जैसे आप कहाँ गए थे? तो इस दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? किसी दिल्ली है वो वाक्य का काम कर रहा है। बीमार कौन है? माता जी। तो माता जी है एक वाक्य का काम कर रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है उद्गारवाचक वाक्य अथवा विस्मयबोधक वाक्य। उसके बाद दूसरा है विधि या आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इच्छावाचक वाक्य। पांचवा है विधानवाचक वाक्य। छठा है नकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य का दूसरा नाम है निषेधात्मक वाक्य। सातवा संदेहवाचक वाक्य। आठवा है संदेहवाचक वाक्य। ये वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद थे। अब हम अर्थ के आधार पर प्रत्येक वाक्य के भेद का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला है उद्गारवाचक वाक्य अथवा विस्मयबोधक वाक्य। उद्गारवाचक वाक्य का दूसरा नाम है विस्मयबोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, भय, हर्ष आदि उद्गार प्रकट हो उसे उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। कोई भी वाक्य है उसके अंदर आश्चर्य की बात है, विस्मय है, भय की है, तो उद्गारवाचक वाक्य होगा। जैसे कितना सुंदर दृश्य है, तो इसके अंदर आश्चर्य की बात है कि दृश्य है वो कितना सुंदर है, हाय यह क्या होगा, तो ये भी इस हैरानी की बात है, तो ये उद्गारवाचक वाक्य है। उसके बाद दूसरा है विधि। विधिवाचक वाक्य का दूसरा नाम है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य इसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। जैसे अपना काम देखो, इसमें बताया गया है कि आज्ञा दी गई है, आप जा सकते हैं। इसके अंदर भी क्या है? आज्ञा दी गई है। तो इसके उदाहरण हो गए आज्ञावाचक वाक्य के। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में इस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, इसमें क्या, कौन, कब, कहां आदि शब्द आते हैं। जैसे कब कौन आया, तो इसके अंदर कौन शब्द है, इसके द्वारा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नवाचक वाक्य उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। उस प्रश्नवाचक वाक्य वजह से तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी क्या है, क्या दिया है उसके अंदर, तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इसके अंदर प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य द्वारा इच्छा, आशीष या स्तुति प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय, तो यहाँ पर इच्छा कुछ इच्छा है कि आपकी यात्रा होगा मंगलमय, तो ये इच्छावाचक वाक्य के भेद है। उसके बाद आता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें कार्य है वो निश्चित सूचना मिलती है कार्य की। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह विद्यालय गया है। उसके बाद आता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य है इसके अंदर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वहां मत जाओ, मना की गई है, तो इसमें नहीं या फिर मत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, शायद वह कल यहाँ आए। संदेहवाचक वाक्य है इसमें संदेह होता है किसी चीज का कि शायद वह कल यहाँ आए, वह घर पर पहुंच चुका होगा, तो संदेह है कि वह पहुंचा भी है या नहीं भी पहुंचा है। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य है इसके अंदर संकेत होता है, क्रिया हो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, क्योंकि इसमें एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संकेतवाचक वाक्य है।
अब हम अगले अध्याय के वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के बारे में जो आपको बताया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।